हेलो फ्रेंड्स, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ का फर्स्ट चैप्टर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो वीडियो को देखने के बाद कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो मोड्स थे जिससे जिस तरीके से प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिल रहा था वो कौन से थे। मैन्योर के थ्रू मिल रहा था, केमिकल फर्टिलाइज़र यूरिया के थ्रू मिल रहा था, राइजोबियम बैक्टीरिया जो बना के दे रहा था उसके थ्रू प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिल रहा था। आज हम देखेंगे कि और कौन से तरीके हैं जिससे प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है। तो ऐसे तीन टाइप्स हैं, तीन मोड्स हैं न्यूट्रिशन के, जो कि फर्स्ट है पैरासिटिक प्लांट्स, सेकेंड है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड थर्ड है सेप्रोफाइट्स। आज हम सिर्फ पैरासिटिक प्लांट्स और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। जो सेप्रोफाइट्स के है वो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। अब पैरासिटिक प्लांट्स क्या हैं? जो प्लांट्स दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं फूड और वाटर के लिए उनको कहते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। द प्लांट्स विच आर डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स फॉर फूड एंड वाटर आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स। अब ये जो प्लांट्स हैं पैरासिटिक प्लांट, जिस प्लांट के ऊपर ग्रो होते हैं उस प्लांट को कहते हैं होस्ट प्लांट। मतलब जो मेन प्लांट होगा जहाँ से ये पैरासिटिक प्लांट्स पूरा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, तो जो मेन प्लांट होगा उसको कहते हैं होस्ट प्लांट, और जो प्लांट डिपेंड है उस होस्ट प्लांट पे उसको कहते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। अब जो पैरासिटिक प्लांट्स हैं वो दो टाइप्स के हैं। तो दो टाइप के पैरासिटिक प्लांट कौन से हैं? एक टोटल पैरासिटिक प्लांट है और एक पार्शियल पैरासिटिक प्लांट है। अब टोटल पैरासिटिक प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें क्या क्लोरोफिल नहीं होता है, मतलब वो टोटली डिपेंड होते हैं होस्ट प्लांट में फूड के लिए, वाटर के लिए। ना वो जस्ट क्लोरोफिल नहीं है तो वो ना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो जो टोटल पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं वो टोटली किस पे डिपेंड होते हैं? होस्ट प्लांट पे। तो एग्जांपल है कस्क्यूटा। जो कस्क्यूटा है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर पाता है, वो अपने होस्ट प्लांट पे डिपेंड होता है फॉर फूड एंड वाटर। पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं उनकी रूट ऐसी होती है कि वो पूरे होस्ट प्लांट को कवर कर लेते हैं और उस होस्ट प्लांट का पूरा जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो पैरासिटिक प्लांट है ये होस्ट प्लांट को वो डैमेज भी कर देते हैं। पैरासिटिक प्लांट है ये जिस प्लांट पे ग्रो होते हैं उस प्लांट को ये मार देते हैं, क्योंकि ये पूरा उसका जो फूड है, वाटर है, पूरा न्यूट्रिशन है ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे जो होस्ट प्लांट होता है जिस पे ये डिपेंड होते हैं ये उनको भी ख़त्म कर देते हैं। अब बात करते हैं पार्शियल पैरासिटिक प्लांट की। अब पार्शियल पैरासिटिक प्लांट्स कैसे प्लांट्स हैं? जो पैरासिटिक प्लांट्स हैं जैसे कि मिस्ले टोय, एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है मिस्ले टोय। तो ये जो प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं, ये जैसे मैंगो ट्री हो गया, पीक हो गया, उस पर ग्रो करते हैं। अब इनके पास क्लोरोफिल होता है तो ये थोड़ा बहुत अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। लेकिन ये जो प्लांट्स हैं जो मिस्लेटो है ये जो पार्शियल पैरासिटिक प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं, ये खुद तो थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लेते हैं फूड, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए ये होस्ट प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। तो जो पैरासिटिक प्लांट्स हैं वो कितने टाइप के हैं? टू टाइप्स के हैं, एक टोटल पैरासिटिक प्लांट और पार्शियल पैरासिटिक प्लांट। जो टोटल पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये टोटली होस्ट प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, और एग्जांपल है कस्क्यूटा। और जो पार्शियल पैरासिटिक प्लांट्स हैं इनमें थोड़ा बहुत क्लोरोफिल होता है, वो थोड़ा बहुत फूड अपना प्रिपेयर कर पाते हैं, लेकिन ये होस्ट प्लांट पे वाटर के लिए और कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए डिपेंड रहते हैं, और एग्जांपल है मिस्ले टोय। तो यहाँ पे आपका जो पैरासिटिक प्लांट्स है वो एंड होता है। अब हम बात करेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की। अब बात करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट की। अब ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या है, नाम से ही समझ में आता है कि इंसेक्ट, मतलब ये जो प्लांट्स हैं ये किस पे डिपेंड है? इंसेक्ट्स पे डिपेंड है अपने मिनरल्स के लिए। अब ये जो प्लांट्स हैं ये ऐसी सॉइल में ग्रो होते हैं जहाँ पे ज़्यादा मिनरल्स नहीं होते, इनके पास क्लोरोफिल होता है और ये अपना फूड बना पाते हैं, लेकिन इनको कुछ मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये क्या करते हैं इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उससे मिनरल्स ऑब्टेन करते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जांपल्स हैं वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट। पिचर प्लांट के एग्जांपल कौन कौन से हैं? वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट। ये जो प्लांट है ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उससे मिनरल्स ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पे आपके जो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है हमने आज दो स्टडी किए,
एक है पैरासिटिक प्लांट्स एंड सेकेंड है इंसेक्टिवोरस प्लांट। जो थर्ड मोड है जो कि सेप्रोफाइट्स है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।